displaying images, images को display करने के लिए हमारे पास different methods हैं, different options हैं. For example, जैसे मुझे यहाँ पे एक image display करवानी है, मैं यहाँ div tag लेता हूँ, ठीक है, image tag, div की closing ले लेते हैं. इमेज सोर्स इज इक्वल टू इमेजेस फोल्डर, उसके अंदर समझ लीजिए इमेज वन या वन डॉट आई एम जी फाइव, ठीक है. मैं जाता हूँ लरावल में, यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ, रीलोड करता हूँ. यहाँ देख रहे हैं यहाँ इमेज नहीं आ रही, ठीक है. मैं ये इमेज मेरी क्यों नहीं आ रही, क्योंकि क्या ये वहाँ इमेजेस नाम से फोल्डर है? नहीं है. मैं जाता हूँ व्यूज़ में. एक्चुअल में ये फोल्डर व्यूज वाले फोल्डर में नहीं होगा, ये हमें क्रिएट करना होगा इमेजेस का फोल्डर पब्लिक के अंदर. यहाँ देखो इमेजेस नाम से कोई फोल्डर नहीं है, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फोल्डर, इमेज फोल्डर, इमेज नाम से कर देता हूँ. वहाँ मैंने क्या लिया था पाथ, इमेजेस, इमेजेस कर देता हूँ, ठीक है. इसमें देखते हैं कोई इमेज पड़ी है, नहीं पड़ी है. मैं एक इमेज कॉपी कर लेता हूँ कहीं और से, रेविडल में गया, रिसोर्स यहाँ पे पब्लिक में गया, इमेजेस फोल्डर में गया, ये इमेज कॉपी कर लेते हैं. चलो बैक बैक बैक, ठीक है, इमेजेस फोल्डर कॉपी, ठीक है. देखिए हमने क्या डाला हुआ था कोड, वन डॉट इमेज, मैं क्या नाम दे रखा हूँ, सॉरी वन डॉट यहाँ पे इमेज नहीं, जेपीजी, सॉरी रॉन्ग, इमेज क्या है, आईएमजी, आईएमजी डॉट जेपीजी, ठीक है. ये इमेज यहाँ पे है पड़ी. हम एक बार पेज को रीलोड करते हैं, देखते हैं इमेज शो होती है, इमेज शो हो गई, ठीक है. यहाँ पे बट प्रॉब्लम क्या है, आपने यहाँ पे इमेजेस जो शो करी, ठीक है, मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, इंस्पेक्ट पे देख रहा हूँ मैं यहाँ पे इमेज सोर्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, इमेजेस फोल्डर के अंदर इमेज डॉट जे पी जी फाइल का आ रहा है. क्या ये बेटर वे है इमेजेस को शो करने के लिए? मैंने यहाँ पे रिलेटिव पाथ यूज़ किया, एब्सोल्यूट पाथ नहीं यूज़ करना, मतलब सी कॉलन ऐसा कुछ नहीं, ना मैंने ऐसा कोई पाथ लिया यहाँ पे एस टी टी पी कॉलन स्लैश isofttext.com/images, ऐसा कोई पाथ लिया, ठीक है. मैंने रिलेटिव पाथ लिया, आप ऐसे भी पाथ ले सकते हो, URL यूज़ कर सकते हो, बट उसके भी कुछ बेटर वेज हैं यूज़ करने के, ठीक है. वेल हम इसको हटाते हैं. क्या हमें इस फॉर्मेट में यूज़ करना है? नहीं. एक्चुअली अगर आप इस फॉर्मेट में यूज़ कर रहे हो तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आपकी वेबसाइट के अंदर के रिसोर्सेज को कोई पर्सन हैक कर सकता है, ठीक है. तो हमें जितनी भी असेट्स हैं, असेट्स से यहाँ मतलब है जेपीजी फाइल्स, पीएनजी यानी इमेजेस फाइल्स जितनी भी तरह की, ठीक है, जेएस फाइल जावास्क्रिप्ट की फाइल्स, सीएसएस फाइल्स या एनी अदर रिसोर्सेज,
जो भी हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, असेट्स यूज़ कर रहे हैं अपनी साइट के अंदर, उसको हमें प्रॉपरली फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पे यूज करना होगा। बेसिकली यहाँ पे जो हम हमें यूज़ करने होंगे प्लेट टेम्पलेट, जो कि लारावल का टेम्पलेट है, उसकी कुछ स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट किस तरह से, कुछ इस तरह से। हम ये क्यों यूज़ कर रहे हैं जबकि हमारा इमेज, हमारी इमेज बगैर इन ओपनिंग करली स्टेटमेंट्स एंड क्लोजिंग करली स्टेटमेंट्स के बगैर भी डिस्प्ले हो रही है। ये डबल दे रहे हैं हम, ठीक है। ये प्रॉपर सिंटेक्स है प्लेट का, हम किसी भी एसेट्स को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप जब आप नया लारावल का प्रोजेक्ट करते हो, सबसे ऊपर लैंग्वेज भी आप देख रहे हो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली स्टेटमेंट्स के बीच में आ रही है डबल, ठीक है। ये हम क्यों दे रहे हैं, जरा हम देखें, जरा क्या हमारा डिस्प्ले हो रहा है। रीलोड, कुछ फर्क नहीं पड़ा, वैसे ही इमेज डिस्प्ले हो रही है, यूआरएल भी सेम आ रही है, नथिंग। फिर हम क्यों यूज कर रहे हैं? बेसिकली डबल करली स्टेटमेंट्स क्यों यूज की जा रही है यहाँ पे, वो है सिक्योरिटी पर्पज से। XSS, व्हाट इज XSS? मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक ऐसा टाइप ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है, बेसिकली एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसमें क्या होता है, हैकर्स आपकी साइट के अंदर जो यूआरएल्स हैं, उन यूआरएल्स को के अंदर अपना कोड इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि आप कि यूआरएल में उनका कोड होता है, आपकी स्क्रिप्ट्स के अंदर उनका कोड होता है, यानी आपकी डाटा के अंदर, तो वो अपना डाटा पास कर सकते हैं थ्रू हैकिंग। इस हैकिंग से बचने के लिए हम इस XSS हैकिंग से बचने के लिए हम बाईपास करते हैं जितने भी ऐसे करेक्टर्स होते हैं जो वो अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो मेथडोलॉजी, जो टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्केपिंग, ठीक है। एस्केपिंग अनवांटेड करेक्टर्स को रिमूव कर देती है, और जो डाटा सर्वर से क्लाइंट साइट के लिए मतलब सेंड होता है, उस डाटा के अंदर कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होती जो कि हैकर्स द्वारा इंटेंशनली इंसर्टेड होती है, ठीक है। वर्डप्रेस भी कुछ ऐसे फंक्शंस को यूज करता है, पीएचपी के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनका हम यूज करके अनवांटेड करेक्टर्स को रिमूव करते हैं। तो उसी तरह से जब हम लारावल की बात करते हैं, तो लारावल में ब्लेड टेम्पलेट यूज होता है, ठीक है। तो ब्लेड टेम्पलेट के अंदर हम हर असेट्स को डबल करली ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पहला मेथड, ठीक है। और भी कोई मेथड है? यस है, सेकंड मेथड। मैंने ये दूसरी इमेज ली, अब मैं सेकंड जो करली ब्रैकेट है उसकी जगह पे दो एक्सक्लेमेशन का करेक्टर स्टार्टिंग में, और यही दो एक्सक्लेमेशन के करेक्टर लास्ट में डाल दूंगा, ठीक है। तो वो करली ब्रैकेट, दो एक्सक्लेमेशन के करेक्टर, फिर उसके अंदर अंदर पाथ आपका इमेज का, ठीक है। फिर डबल करली डबल एक्सक्लेमेशन करेक्टर, फिर करली क्लोजिंग करली ब्रैकेट, ठीक है। ये सोर्स टैग के अंदर है। अब हम देखें जरा एक बार फिर से रीलोड करके पेज को, दूसरी इमेज आएगी, तो सेकंड इमेज आ गई। पहली इमेज और दूसरी इमेज में क्या फर्क है, कुछ फर्क नजर आ रहा है?
कोई भी कुछ भी फर्क नहीं नजर आ रहा, जिस मर्जी इमेज पे क्लिक करो सेम आ रही है, ठीक है। यानी ये सिक्योरिटी पर्पस से जुड़ी है, ब्लेड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ओके, यानी आप सिंपल पाथ नहीं दोगे जब आप लारावल में काम कर रहे हो, किसी भी इमेज का हो, जेएस का हो या फिर आपका सीएसएस फाइल्स का, जो लोकल पड़ी है, लोकल आपके फोल्डर में पड़ी है, ठीक है ना। पब्लिक फोल्डर के अंदर आप CSS, images, JS का अलग अलग फोल्डर बना सकते हो, ठीक है। वेल, और भी कोई मेथड है? मीन्स यस, थर्ड हम यहां लिखते हैं assets। बेसिकली यहां पे assets नाम से एक फंक्शन होता है जो हम पास कर रहे हैं। ये कुछ और नेक्स्ट लेवल की सिक्योरिटी दे देता है हमें। असेट्स में जेपीजी फाइल्स, जेएस फाइल्स या आपकी सीएसएस फाइल्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। हमने क्या किया, वही कर्ली ब्रैकेट्स हैं लेकिन अंदर असेट्स यूज़ किया, ठीक है। अब जरा हम देखते हैं थर्ड इमेज जो डिस्प्ले होती है वो कैसी होती है। तो ध्यान से, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इमेज में सिर्फ रिलेटिव पाथ आ रहे हैं इमेजेस स्लैश, लेकिन थर्ड इमेज में पूरा पूरी यूआरएल शो हो रही है इमेज टैग की। पूरा कंप्लीट पाथ शो हो रहा है इमेज का, पूरी कंप्लीट यूआरएल इमेज की, ठीक है। तो क्या हम ये यूज करें असेट्स फंक्शन? यस, यूज कर सकते हैं, ये बेटर और मच 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 बेटर वे है, ठीक है। आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या और भी कोई मेथड है? यस, डिस्प्ले करवाने के लिए हम यहाँ पे असेट्स फंक्शन में आगे जो हमने स्टेटमेंट यूज की उसकी जगह डबल कर्ली ब्रैकेट्स की स्टेटमेंट यूज कर लेंगे। देखें अब इसको, ठीक है, सेम। अब हमें बात एक चीज तो क्लियर हो गई कि मच बेटर वे है कि हम असेट्स फंक्शन को यूज कर लें, ठीक है। लेकिन क्या हम डबल कर्ली ब्रैकेट या सिंगल कर्ली ब्रैकेट के साथ एक्सक्लेमेशन स्टेटमेंट्स, इनको स्टेटमेंट, इस तरह के स्टेटमेंट को यूज करें, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, या हम इन स्टेटमेंट को यूज करें, ठीक है। पहले हम जानेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो मैं इसको यहां कॉपी करता हूं, ये देखो कॉपी, मतलब इसको मैंने सेलेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल है फर्स्ट नाम का वेरिएबल, उसके अंदर हमने डबल अपोस्ट्रॉफ के अंदर ये स्टेटमेंट डाली हुई है। अगर ये स्टेटमेंट एक्सेस होगी ब्लेड के अंदर यूजिंग दिस, अगर हम ये लिखते हैं देन आउटपुट किस तरह का होगा, आउटपुट होगा इस तरह का, ठीक है। लेकिन अगर हम डबल एक्सक्लेमेशन स्टेटमेंट के साथ यूज करते हैं वेरिएबल को, डिस्प्ले करवाते हैं उसकी वैल्यू को, देन आउटपुट क्या होगा इस तरह का, मतलब एक फाइनल आउटपुट रिटर्न होगा, ना कि एक HTML टैग, ठीक है, बोल्ड टैग रिटर्न होगा। ये एज इट इज इसने क्या रिटर्न किया, इसने रिटर्न किया डबल एक्स कर्ली ब्रैकेट्स के स्टेटमेंट्स ने एज इट इज ये रिटर्न कर दिया। फिर इसका फायदा क्या हुआ? वही मैंने बताया कि एक्स एक्स एस यानी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, यानी आप हैकिंग से आप बचा रहे हो अपनी यूआरएल्स को, अपने वेरिएबल्स को, अपने डाटा को,
ठीक है, जिससे कि जो डाटा सर्वर से चला ब्राउज़र तक वही पहुंचे, ना कि चेंज डाटा हो, हैकर्स द्वारा चेंज डाटा। वेल, फिर हम ये यूज़ करें, यस इट इज़ ए बेटर वे, इट इज़ ए बेटर वे, ठीक है, ये बेटर वे है। ठीक है, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे आप ये यूज़ करोगे, ठीक है, इंस्टेड ये यूज़ करोगे इंस्टेड ऑफ दिस। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप चाहे ये यूज़ करो चाहे ये यूज़ करो, दोनों ही एक्सेसेस से हमें बचाएंगे। बट एक इशू है इस स्टेटमेंट में, ठीक है, चलो हम चेक करते हैं क्या इशू है। बाई डिफॉल्ट ब्लेड स्टेटमेंट्स आर ऑटोमेटिकली सेंड थ्रू PHP HTML, इस तरह से बाई डिफॉल्ट तो ये यूज़ होता है, वेरिएबल ये स्टेटमेंट यूज़ होती है, ठीक है, जिससे कि हम प्रिवेंट कर सकें XSS अटैक्स को। इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट योर डाटा टू बी एस्केप्ड, एस्केप्ड में क्या मैंने बताया था कि कुछ ऐसे अनवांटेड करेक्टर्स होते हैं जो कि हैकर्स इंसर्ट कर देते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए हम एस्केपिंग यूज़ करते हैं। बेसिकली एस्केपिंग एक वे है जिसमें अनवांटेड करेक्टर्स को रिमूव किया जाता है। तो अब अगर हम डबल कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं तो एस्केपिंग परफॉर्म होती है। अगर हम डाटा एस्केप नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं, हम इंटेंशनली इस वेरिएबल के अंदर कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जो हम चाहते हैं कि रिमूव ना हो, तो वो उस सिचुएशन में हम ये स्टेटमेंट्स यूज करेंगे। ठीक है, बी वेरी केयरफुल व्हेन इकोइंग कंटेंट्स, जब आप कंटेंट्स को इको कर रहे हैं तो ध्यान रखें बाय यूजर ऑफ योर एप्लीकेशन, जो यूजर टाइप कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक यूजर ने फॉर्म के अंदर नेम टाइप किया या पासवर्ड टाइप किया, तो कई बार हम एक्सएसएस का नतीजा क्या होता है, क्रॉस साइट्स साइट स्क्रिप्टिंग का, कि हैकर्स अनवांटेड करेक्टर्स आपके पासवर्ड के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो लॉगिन हो जाते हैं और लॉगिन होके आपकी कुछ आपके डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मींस इसको, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है कि कैसे हैकर्स एक्सेस करते हैं, कैसे इंजेक्ट करते हैं, बट ओवरऑल इन्होंने लरावल और PHP ने हमें एस्केपिंग एक वे दिया है जिससे हम अनवांटेड करेक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज यूज द एस्केप्ड डबल करली ब्रेस ब्रैकेट्स सिंटेक्स टू प्रिवेंट अटैक्स व्हेन डिस्प्लेइंग यूजर। बात ये होती है कि मैं क्या यूजर डाटा को डिस्प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डाटा नहीं डिस्प्ले कर रहा बट मैं रिसोर्सिस को एक्सेस कर रहा हूँ, इमेजेस वगैरह को। तो आप इमेजेस के पाथ में या इमेजेस के नेम में अगर कुछ स्पेशल करेक्टर्स हैं तो आप इसको यूज करो, क्योंकि ये एस्केप नहीं करेगा, उन करेक्टर्स को रिमूव नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे हर जगह पे अनवांटेड करेक्टर्स जो कि इंजेक्ट हों और XSS से हम बचा सकें, ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से या SQL इंजेक्ट या हम स्क्रिप्टिंग इंजेक्शन से बचा सकें या इंजेक्ट ना कर सके डाटा हैकर्स, तो उस सिचुएशन में हमें डबल कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करना चाहिए। यानी ओवरऑल ये बेटर वे रहा अगर हम सिक्योरिटी चाहते हैं, तो आप बेटर है ये वे यूज करो। ठीक है, असेट्स फंक्शन हम यूज कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि सर्वर से पूरी URL एज ए पाथ के तौर पे आए रादर देन क्या, एक लोकल फोल्डर का पाथ शो हो।
ठीक है ना, रिलेटिव पाथ, ये पूरा एब्सोल्यूट पाथ है जो हम शो करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज करना चाहते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, ये पूरी यूआरएल एज ए पाथ शो होगी यहाँ पे, अदरवाइज रिलेटिव पाथ शो होगा, ठीक है। तो आप एसेट्स फंक्शन यूज करें, चाहे तो आप ये मेथड ये यूज कर लें, चाहे आप ये यूज कर लें, ठीक है। दोनों वेज में आप सिक्योरिटी टाइट कर रहे हो, ठीक है। ये अनएस्केप्ड वर्जन है, ये एस्केप्ड वर्जन है, इसमें ज़्यादा सिक्योरिटी है, इसमें थोड़ी सी कम सिक्योरिटी है। ये यूआरएल्स को एक्सेस करने के लिए बेटर वे है, अगर आपके स्टैटिक रिसोर्सेज आपके साइट में पड़े हुए हैं, ये बेटर वे है, ये बेटर वे है अगर आप कोई वेरिएबल्स का डाटा डिस्प्ले कर रहे हो या कुछ और रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो जिसपे आप सिक्योरिटी चाहते हो। जो यूज़ करेंगे या तो ये हम मेथड यूज़ करें, बेटर वे आपके लिए यही है, ठीक है। ओवरऑल जो हमने फर्स्ट यूज़ किया था, ठीक है, डबल करली ब्रैकेट्स के अंदर आप पाथ दोगे, ठीक है। थैंक यू, ये लेक्चर मैं यहीं स्टॉप करता हूँ।